हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लीब्रा ऑफिस कैलक सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है लीब्रा ऑफिस कैलक की। यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और उनके सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। अब ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। तो अब ये डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे हम, और सेलेक्ट करके इस पे बॉर्डर लगाने के लिए यहां पर जाकर के हम बॉर्डर लगा लेंगे। तो ये हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, अब ये पूरा बॉर्डर बन गया है। ठीक है, आप चाहे तो इस पे कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं टाइटल पर, फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें यहां क्या करना है, डेटा की शॉर्टिंग करनी है, डेटा को शॉर्ट करना है। सो हाउ कैन वी शॉर्ट द डेटा इन लिब्रा कैल्क, दैट इज द मैटर। तो इसमें हम डेटा को शॉर्ट कहां से जाके करेंगे, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये, यहां पर ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है शॉर्ट का, तो बस टाइटल पे क्लिक रखिए और ये दिया हुआ है ए टू जेड, यहां जेड टू ए दिया हुआ है और ये ए टू जेड है। तो हाँ, अगर हम ए टू जेड के क्रम में शॉर्ट करते हैं, तो यहां अगर शॉर्ट पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये यहां पर टाइटल पे रख के शॉर्ट पे क्लिक किया तो यहां ए वाले पूरे नाम आ गए हैं, फिर बी वाला होगा तो बी आएगा, फिर सी वाला होगा तो सी आएगा, डी, इस तरीके से करके आएगा। तो शॉर्टिंग का ऑप्शन तो यहां दिया हुआ है। इसके पहले कैसे दिखाई दे रहा था ये मैं आपको दिखा देता हूं। इसके पहले ये डेटा ऐसे था, ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पर रख करके और अकॉर्डिंग टू द नेम हमने शॉर्ट करना चाहा, यहां पर ए टू जेड किया था हमने, अब हम जेड टू ए कर दे रहे हैं। तो जैसे ही जेड टू ए करेंगे तो जेड वाला नाम पहले आएगा, फिर जेड नहीं है तो उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे करके ही आएगा। तो शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है। आई होप की बात समझ में आई होगी कि शॉर्ट कैसे करना है और इसका क्या मतलब होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।